नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर ताथेज होम्योपैथी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम नेजल पॉलिप इसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये नेजल पॉलिप नाक के अंदर बनने वाले नरम एकदम से लचीले सॉफ्ट और गुच्छेदार मांस के गुच्छे होते हैं जो आपको आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अगर ये आपको है तो इससे डरिए मत। इस वीडियो के अंत तक आपको नेजल पॉलिप क्या होते हैं इसके बारे में ठोस जानकारी मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस वीडियो में इसके कारण, लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे मदद करेगी। तो सबसे पहले नाक की संरचना के बारे में जानते हैं। अब नाक के बीच में एक सेप्टम होता है जिसे नेजल सेप्टम कहते हैं, जिसकी वजह से नाक दो भागों में हमारी एक सरीके में बटी होती है। अब इस नेजल जो नासिका होती है इसके अंदर नेजल म्यूकोसा होता है और ये फेस में हमारी जो हड्डी होती है इसमें एक विशिष्ट प्रकार के छेद होते हैं जिसे साइनस कहते हैं। अब ये जो पॉलिप होते हैं, ये जो मांस के बड़े हुए गुच्छे होते हैं, ये इसी नेजल म्यूकोसा या साइनस के जो छेद होते हैं उसी में बढ़ते हैं। जो शुरुआत में तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन जैसे ही समय बढ़ते जाता है इसकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ते जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको नेजल पॉलिप है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें सबसे सकारात्मक चीज़ यही है कि ये कैंसरस नहीं होती है। नहीं तो कहीं भी अगर कोई गांठ होती है या कोई ग्रोथ होने लगती है तो लोग इसे कैंसर समझने लगते हैं, लेकिन नेजल पॉलिप जो होते हैं वो बिनाइन ओरिजिन के होते हैं, मतलब ये कैंसरस विरहित होते हैं। उसके अलावा जब इसकी शुरुआत होती है, जब ये छोटे होते हैं तो इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं या बिल्कुल छोटी मोटी आप अगर कोई सावधानी लेते हैं तो ये चले भी जाते हैं या कुछ दिनों के बाद ये अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे ये तीव्र प्रकार के लक्षण जो है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। चलिए जानते हैं अब इसके कारणों के बारे में, ये होते क्यों हैं। तो सबसे पहले होती है अनुवांशिकता। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में अगर इसकी हिस्ट्री रही है तो ये आपको हो सकते हैं। इसके बाद जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही अगर कुछ लोगों को कुछ तरीके की एलर्जी डेवलप हो गई है तो उसको एलर्जन को जब भी एक्सपोज होंगे तो उन्हें तकलीफ होगी और आगे जाके इसके पॉलिप्स में रूपांतरण हो सकता है। या फिर कह सकते हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन्हें सर्दी खांसी का संक्रमण जो है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, और जिन्हें सर्दी खांसी का संक्रमण ज़्यादा होता है उन्हीं में ये पॉलिप होने के चांसेस आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे चल के देखते हैं, ये जर्मन न्यू मेडिसिन करके एक अनुसंधान हुआ है। इस अनुसंधान के तहत बताया गया है कि जिन भी लोगों को नाक से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है तो उनमें स्टेंट या सेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। अब इसे बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं, जैसे कि किसी इंसान में बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक तौर पे डर रहना, पोटेंशियल फियर, या फ्यूचर में होने वाली, आगे होने वाली किसी भी घटना को लेकर या काम को लेकर हमेशा डर रहना, मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे ये होगा नहीं होगा, ये हमेशा जब वो सोचता है तो इसे हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी फियर। या और अगर इसे समझा जाए तो जैसे कि कोई इंसान किसी स्थिति में फंसा हो, किसी ऐसी घटना उसके साथ हुई हो जिसमें वो लंबे समय तक फंसा हुआ है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, और जब लंबे समय तक ऐसे ही किसी घटना परिस्थिति में वो फंसा रहता है तो उस इंसान में, उस तरीके के लोगों में नेजल पॉलिप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा है, जब ये पॉलिप छोटे होते हैं तो ये कोई लक्षण नहीं देते हैं, ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं या फिर सौम्य तरीके के लक्षण होते हैं, पर जैसे ही वो ये बढ़ते जाते हैं, इसका साइज़ बढ़ते जाता है तो ये नासिका को अवरुद्ध कर सकता है। इसके अलावा फिर बार बार सर्दी होना, नाक बंद होना या नाक का बहना, नाक अगर बंद होती है तो एक या दोनों नासिका बंद हो सकती है, फिर नाक बंद होती है तो सांस लेने में दिक्कत होना, फिर उसकी वजह से सोने में दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा छींके आना, अगर ये बहुत दिनों तक ऐसे ही चला तो सांस सूंघने की शक्ति कम होना, कभी कभार नाक से खून भी आ सकता है। और इसके अलावा ये जैसे ही सिम्टम्स अगर इसमें उपचार ना किया जाए तो ये बढ़ते हुए पूरे चेहरे में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, दांतों में दर्द होना, जो भी साइनस फील्ड होते हैं, मैक्सिलरी साइनस या फ्रंटल साइनस जो रहते हैं इसमें दर्द होना, ये हमेशा बना रह सकता है। अब आइए चलते हैं इसका निदान कैसे करें, क्योंकि निदान होगा तो ही उसका उपचार होगा। तो निदान करने के लिए आप अपने नज़दीकी प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी का संक्रमण हो रहा है, आप अभी देख रहे हैं कि बाकी लोगों की तुलना में आपको इसकी तीव्रता ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टर से मिलिए, वो आपका परीक्षण करेंगे। जैसे वो नाक का परीक्षण करेंगे आपको बताएंगे कि पॉलिप है, साइनस है या और कुछ डीएनएस का प्रॉब्लम है, ये आपको
डॉक्टर बताएंगे। इसके अलावा कुछ केसेस में हमें इसकी गंभीरता का आकलन करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ सकते हैं, जैसे कि एक्सरे या एंडोस्कोपी, ताकि हमें इसकी गंभीरता पता चले और उसके तरीके से हम इसका इलाज करवाएं। आइए अब जानते हैं होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है। इसके पहले अब हम ये देखते हैं, बहुत से लोग ना सर्दी खांसी जुकाम इन चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। जैसे ही सर्दी जुकाम होती है तो हमेशा अपने मन से दवाइयाँ लेना, या इसने किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया तो वो दवाइयाँ लेना, और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलते रहता है। और इसीलिए इस बीमारी का सही वक्त पर निदान नहीं होता है, और जब पता चलता है तब तक वो पॉलिप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, और इसमें इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें सर्जरी भी करवाते हैं। अब सर्जरी करवाने के बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सर्जरी करवाने के बाद सेम जो कंप्लेंट्स होती है वो लेके आते हैं, वही उनको परेशानियाँ होती ही रहती है। इसके विपरीत अगर आप अपनी जो बीमारी है किसी प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाते हैं, अपना इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि होम्योपैथी उपचार जब करते हैं तो होम्योपैथी डॉक्टर आपकी पूरी जानकारी लेते हैं, आपकी बीमारी की जानकारी, आपको कोई स्ट्रेस टेंशन है क्या उसकी जानकारी लेते हैं, आपकी पास हिस्ट्री में कुछ ऐसी बीमारियां होके गई है कि वो देखते हैं, फैमिली में ऐसी किसी को बीमारी है क्या वो देखते हैं। आपका पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको एक सिमिलिमम मेडिसिन जो है वो दिया जाता है, और ये मेडिसिन भी एक विशिष्ट मात्रा में ही आपको दिया जाता है, जिसके बाद इन मेडिसिन्स को लगातार कुछ दिनों तक लेने के बाद आपको सिर्फ ना ही लक्षण कम होंगे, इसके साथ साथ आपको आंतरिक तौर पे भी बहुत अच्छा महसूस होने को लगता है। पेशेंट रिलैक्स फील करने को लगता है, उन्हें उत्साह आता है, बहुत काम करने की अच्छी इच्छा खुद से इच्छा होने लगती है, चिड़चिड़ाहट कम होती है, नींद अच्छे से होती है, भूख अच्छे से लगती है, ये सारे ही लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्या होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं? क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, आपकी रोग प्रतिकारक प्रणाली को वो इतना स्ट्रांग बनाती है कि बार बार होने वाले ये संक्रमणों से वो आपको बचाती है, और अगर हुआ तो उससे बहुत अच्छे से लड़ती है, और धीरे धीरे करके इस बीमारी की तीव्रता जो होती है वो कम होती जाती है, और आप पॉलिप नेजल पॉलिप से पूरी तरीके से इसमें से बाहर आ सकते हैं। उपदी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ प्लीज़ साझा कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए।